आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आप इंडिया के लोगों ने के लिए पैगाम, पाकिस्तानी आवाम के लिए पैगाम? इंडिया के लोगों के लिए यही पैगाम है कि भाई पाकिस्तान जितना लोग जो पॉलिटिक्स दिखाती है उतना बुरा भी नहीं है, वहाँ के लोग हम सेम टू सेम हमारे जैसे ही हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं, उनको लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अब क्या वहाँ जाके कोई ऐसी बात करेंगे अपने इंडियन के लिए? इंडियंस को यही समझाना चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे नेवी के साथ भी रहे हैं, उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो लड़ना चाहते हों किसी से, वो भी ये चाहते हैं। मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं? मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहा हूँ अपने इंडिया के लिए कि भाई अब पाकिस्तान ने एक बार दोबारा हाथ बढ़ाया तो इंडिया को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया लग रहा है पाकिस्तान। आपका नाम अपना बताएं। मेरा नाम प्रशांत चौहान। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कौन सा ऐसा मैसेज अब लेके जा रहे हैं इंडियन के लिए कि जो पाकिस्तानी कौम ने आपके साथ किया? मैं इंडिया में यही कहना चाहूँगा सर कि अगर कोई किसी भी मुसीबत में है तो ये मत सोचो कि वो कौन से मुल्क का है, कौन से देश का है, बस इंसानियत के नाते बंदे की हेल्प कर दो। तो अब क्या पाकिस्तानी अवाम है या जो इंडियन अवाम है उनको आपस में एक दूसरे में भाईचारे में हाथ बढ़ाना चाहिए? हाँ देखिए सर, आवाम का तो भाईचारे में हाथ है ही, बाकी जो ये हाथ को पीछे कौन हटाता है ये तो ऊपर की सियासत। ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो भी सियासती खेल चल रहा है इसे थोड़ा ठंडा ही रखें और दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं दोनों देश, तो शायद ये दोनों देश दुनिया में बहुत कामयाबी है। दिन न्यूज़ को भी शुक्रिया करता हूँ। देखिए, इंडियन सेलर्स आर वेरी हैप्पी, दे आर इन गुड हेल्थ, दे आर गोइंग बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल। आई एम सुहेल खान, आई एम द काउंसलर वीजा एंड वी आर हियर टू हेल्प देम गो बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल।